हाय एवरीवन, नमस्ते। तो आज मैं बॉम्बे में हूँ और बॉम्बे में पहले भी काफी बार आई हूँ, पर व्लॉग कभी भी नहीं करा था। फर्स्ट टाइम मैं व्लॉग कर रही हूँ और मंदिर भी मैं पहली बार जा रही हूँ। मुझे सिद्धिविनायक मंदिर जाना था, महालक्ष्मी जाना था और शायद हम लोग हाजी अली भी जाएंगे, पर कोई मुझे बता रहा था कि शायद वो बंद होगा, तो देखते हैं वहाँ पर जाकर। और अभी तो मैं बॉम्बे के जाम में हूँ, आधा तो यहाँ पर ऐसे ही हो जाता है। मैं पिछली बार भी आई थी तो मैंने स्टोरी लगाई थी कि ऐसा लगता है कि रोड ट्रिप पर निकल गए, खत्म ही नहीं हो रहा है रास्ता और हर जगह इतनी दूर दूर। इतने में तो हम दिल्ली से आगरा मेरठ पहुंचे हैं। अभी ना हम लोग सिद्धि विनायक पहुंच गए हैं और यहाँ पे कोई अंदर कॉलोनी से ही सोसाइटी बोलते हैं ना मुंबई में, तो यहाँ से कोई शॉर्टकट रास्ता है। यहाँ से मैं अंदर मंदिर जा रही हूँ क्योंकि हर दिन यहाँ पे काफ़ी भीड़ रहती है और बाहर काफ़ी लाइन थी, भीड़ थी, और मुझे जल्दी दर्शन भी करने थे और फिर इसके बाद महालक्ष्मी भी जाना है, हाजी अली भी जाना है। तो जाती हूँ अंदर, इधर का वैसे पता नहीं मुझे वीडियो रिकॉर्ड करने देंगे कि नहीं, पर चलो दर्शन तो हो जाएंगे। तो फाइनली दर्शन हो गए यहाँ पर सिद्धिविनायक मंदिर में, जो मुझे बहुत सालों से करने थे और ऐसे टाइम पर हुआ है ना, क्योंकि कुछ मेरी दशा भी ऐसे जो होते हैं ना हमारी एस्ट्रोलॉजी में होता है, तो उसके लिए ये काफ़ी ऑस्पिशियस रहता है और उस टाइम पर हुआ ये। तो बड़ा मुझे ऐसा लग रहा है कि यूनिवर्स का ही कोई साइन था कि मुझे अभी जाना था। और भी कुछ ऐसी चीज़ें रिलेटेड है गणेश जी से जो भी हो रही है, तो उसी टाइम पर हुई तो मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। और यहाँ बस रोड चलती जा रही है और ट्रैफिक मिलता जा रहा है, ट्रैफिक ये देखो। पर ये मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था ये व्यू ना यहाँ से। सिद्धिविनायक में तो बहुत ही अच्छे से दर्शन हो गए थे और अभी मैं महालक्ष्मी टेम्पल आई हूँ। मैंने यहाँ से कुछ चढ़ाने के लिए फ्लावर्स लिए हैं, श्रृंगार का सामान होता है वो लिया है, और यहाँ पे गली है, यहाँ से सीधा सीधा मैं जा रही हूँ और 5:30 बज चुके हैं, तो मुझे हाजी अली के चांसेस कम लग रहे हैं। देखते हैं, टाइम हुआ तो मैं जाऊँगी और अभी यहाँ पर दर्शन कर लेती हूँ। पर सिद्धिविनायक में बहुत अच्छे से दर्शन हुए थे, मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। अच्छा, ये महालक्ष्मी टेम्पल जो है ना, जहाँ पे माता की मूर्ति होगी उसके पीछे ये वॉल है, तो यहाँ पे लोग ऐसे कॉइन ज़ोर से ऐसे स्टिक करने की कोशिश करते हैं बिना कुछ लगाए, तो कहते हैं जिनका लग जाता है तो काफ़ी अच्छा उसको माना जाता है, शुभ माना जाता है। तो मैंने भी कुछ कॉइन्स ट्राई करे लगाने के। और बाहर यहाँ पर ना साड़ियाँ भी मिल रही थी, ये माता की पहनी हुई साड़ियाँ होती है जो लोग चढ़ाते हैं ना, अलग अलग चेंज होती रहती है, तो ये भी मैंने 2 खरीदी थी यहाँ से, क्योंकि ऐसे मिलती नहीं रहती है, पर यहाँ पे मिल गई तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इसको लूँ, अच्छा भी रहता है। और फिर ये यहाँ का थोड़ा, इसको ही बोलते हैं ना टाउन सीलिंग एरिया, मैं पहले भी आई हूँ, अच्छा लग रहा था व्यू क्योंकि मौसम भी अच्छा हो रहा था, बादल अच्छे लग रहे थे, रोड खाली मिल गई थी तो सोचा दिखा दूँ खाली रोड भी हो। मैं ना 6 दिन हो चुके हैं और अभी मैं मुंबई इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में बॉम्बे बोल दिया था, तो मेरे बॉम्बे बोलने से भी कुछ लोगों को ऐसे हो रहा था कि नहीं मुंबई बोलो। खैर, दोनों ही चीज़ें बोल दी है, एडजस्ट कर लेगा, जो पसंद आए वो एक्सेप्ट कर लेगा। तो 6 दिन मैं पहली बार इतने दिनों के लिए रुकी हूँ, तो थोड़ा सा ऐसे हो रहा था, मतलब मैं काम करना चाह रही थी पर एडजस्टमेंट ही, यहाँ पे एक तो कल्चरल डिफरेंस है, सारे टाइम बारिश होती रहती है, बालकनी में भी आऊँ तो पै पै पौ पौ। मैं दिल्ली में ना ऐसी जगह पे रहती हूँ जहाँ पे बहुत शांति है, अच्छी जगह है, ऐसी लोकेशन है कि हर जगह दिल्ली की जो भी बेस्ट जगह है, आपको बसंत कुंज जाना है, जीके जाना है, खान मार्केट जाना है, सीपी जाना है, साकेत जाना है, सब 5-10 मिनट की दूरी पर है, सब पास पास है, और यहाँ पर सब जगह दूर दूर है, टाउन जाना पड़ता है। मतलब मुझे ये मैं पूछती है कि हम गांव में रह रहे हैं, टाउन जाना पड़ता है, पर खैर कोई बात नहीं। और मैं ना मंदिर के बाद जब मैं महालक्ष्मी टेम्पल गई थी तो मैंने वहाँ से 2 साड़ियाँ भी ली थी, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था कि ये साड़ी को मैं पहनूं क्योंकि माता की पहनी हुई साड़ी है, तो मैं पहनूंगी तो ये एक ब्लेसिंग ही है, और किसी फेस्टिवल पे मैंने सोचा उसको पहनूंगी। और फिर उसके बाद ना मैं कुछ फ्रेंड्स से भी मिली थी जो मैं व्लॉग में कवर नहीं कर पाई, या तो मैं करना ही नहीं चाहती थी क्योंकि मन नहीं था, रास्ते भी देखने पड़ते हैं, बारिश भी होती रहती है, यहाँ जाना है वहाँ जाना है, यहाँ का मुझे इतना पता नहीं है ना, तो थोड़ा सा ऐसे नेक्स्ट टाइम
होगा तो मैं ज़्यादा व्लॉग करने की कोशिश करूँगी, क्योंकि मुझे फिर से आना है जुलाई में। और फिर ना मैं बॉबी देओल सर से भी मिली थी, मेरा उनसे बहुत मिलने का मन था, क्योंकि लोग ना ऐसे बोलते रहते अरे आप भी बाबा हो, तो ऐसे ही मजाक के लिए। और सिर्फ वो रीज़न नहीं था, उनके मीम्स भी इतने सारे आते हैं, तो वो तो मीम वर्ल्ड के किंग है। तो मैं 1-1.5 साल से उनसे मिलना चाह रही थी, तो फाइनली मैं मिल ली। क्लिप मैं लगा दूंगी यहाँ पे, आप लोग देखना या तो इंस्टाग्राम पे भी देख लेना। और अभी भी मुझे लंच करने के लिए जाना है, देखती हूँ ब्लॉग कर पाऊँगी कि नहीं। बारिश तो अभी भी चली रही है, पर देखो ये ग्रीनरी कितनी अच्छी लगती है। अच्छा मौसम तो बहुत अच्छा है, पर होता क्या है ना, बाल आप सेट करो बाल ख़राब हो जाते हैं, 1 घंटे में ही बाल ख़राब हो जाते हैं ह्यूमिडिटी, क्योंकि ऐसे फ्रिजी से बहुत हो जाते हैं बाल, कितना भी आप ब्लो ड्राई कर लो स्ट्रेट कर लो ख़राब होने ही है। तो हाँ अभी चेंज करूँगी, लंच पे जाऊँगी, शॉपिंग के लिए भी जाऊँगी, सेल भी स्टार्ट हो गई है, तो देखूँगी मैं कितना क्या ब्लॉग कर पाती हूँ। और नेक्स्ट टाइम तो खैर हो गई, रोड पे दिन शुरू होता है, रोड पे बस रोड पे ही, तो ये कोई रोड है और ट्रैफिक है। तो अभी मैं जियो वर्ल्ड ड्राइव में आई हूँ, मॉल है ये, यहाँ पे है ब्रांच, अभी मुझे पता नहीं यहाँ पे क्या क्या होगा, पर ये पास में था। मैं अभी बांद्रा गई थी, फिर बांद्रा से मुझे 15 मिनट लगे यहाँ पे आने में, बांद्रा जाने में 15 मिनट मतलब मेरे घर से जहाँ पे मैं रुकी हुई हूँ अंधेरी वेस्ट में, तो वहाँ से आधा घंटा। एंड वन ऑफ माई फ्रेंड इज़ ऑल्सो कमिंग, सबादी, आपने शायद मेरी गोवा ब्लॉग में देखा होगा उनको, सो आई एम वेटिंग फॉर हर। क्या करूँ, अंदर ही चली जाती हूँ तब तक। और हाँ ये मॉल काफ़ी बेटर है, मैं यहाँ पे इन ऑर्बिट भी मलाड ना, हाँ वहाँ मैं पहले आई थी, वो ब्रांड्स वगैरह है यहाँ पे, बट दिस इज़ मोर सफेस्टिकेटेड और लग्जरी ब्रांड्स, हाँ बिकॉज ऑफ द प्लेस राइट, बांद्रा है, BKC में है, तो ब्रांड्स भी वैसे ही है, शांति है, अच्छा है और अच्छा बना भी हुआ है, काफ़ी बेटर है पहले वाले से, मैं जहाँ पर भी गई हूँ। एंड देर इज़ वन मोर ना, फिर अभी हम लोग फिनिक्स मार्केट से भी कुर्ला फिनिक्स जाने वाले हैं, तो अभी हम जा कहाँ रहे हैं, तो जियो मॉल में ना ऐसे हाई स्ट्रीट ब्रांड्स आपको नहीं मिलेंगे, ज़ारा H&M टाइप के, तो लग्जरी ब्रांड्स है, या तो अगर आपको ऐसे ही बैठना है चिल करना है तो आप जा सकते हो। क्या करूँ, क्या ऐसे क्या ऐसे ऐसे ही हॉलीवुड लग रहा है। अच्छा नहीं स्टार्ट है, ये मैं लगा दूंगी, ये मैं और हमने क्या वहाँ पे क्या करा, जियो मॉल में कुछ भी नहीं करा, कुछ भी और कुछ नहीं करा, और कुछ नहीं, बस हम यहाँ पर आ गए हैं और यहाँ पे स्ट्रैटेजी की बात की, वहाँ पर स्ट्रैटेजी की बात की, अब हम आ गए शॉपिंग करने, सोचो और का कॉन्ट्रास्ट। ओके बाय, तो आज नेक्स्ट डे है और मैं अभी जा रही हूँ ज़ारा, ओबरॉय मॉल जा रही हूँ यहाँ से, पास पास क्या मतलब वही था, यहाँ से इधर जाने में भी टाइम लगेगा ही, और ब्रेकफास्ट भी नहीं करा है, तो ये प्रोटीन बार लिया है, सुबह से बारिश हो रही है, वही जा रही है, वही जा रही है, बस वही जा रही है, तो छाता भी रखा हुआ है। पर भैया मुझसे रास्ते का भी पूछ रहे थे, यहाँ से जाना है कि यहाँ से जाना है, मुझे कुछ नहीं पता, मैंने बोला कहीं से भी जाओ बस पहुँचाओ। तो 30 जून को मैं थोड़ी सी शॉपिंग करने के लिए गई थी, देखो बारिश हो रही है ना अभी भी, हर टाइम बारिश ही होती रहती है, पर वेदर अच्छा है, ऐसे हिल स्टेशन जैसा लगता है, पर ट्रैफिक इतना हो जाता है ना उसकी वजह से, तो वहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। देखो बस वाइपर चलाने में ही रोड पर ही आधा टाइम ऐसे ही निकल जाता है। और ये फिर मैं डिनर करने के लिए गई थी, लास्ट जब दिन था मेरा, फर्स्ट को मैं वापस आ गई थी ना, तो ये 30th का है, तो हाँ आई वेंट टू पिंग वसाबी क्योंकि घर के पास था। वैसे मैं सोच रही थी कहीं और जाने का, पर मुझे फ़ोटो लेनी थी और ये जगह भी ओके थी, ठीक थी, खाना भी ठीक था, और हाँ बस, तो मैं आपको थोड़ा सा ये एम्बियंस दिखा रही हूँ, आप जा सकते हो अगर बॉम्बे में हो, जुहू के पास हो, अंधेरी में, बांद्रा में, तो आप पिंग वसाबी जा सकते हो। तो पूरे 1 हफ्ते के बाद मैं दिल्ली वापस जा रही हूँ और अभी एयरपोर्ट पे ही हूँ, जल्दी ऐसे ही आ गई, हालत देख रहे हो मेरी, मैंने कल भी यही पहना हुआ था सुबह में, और सुबह मैं ही डिसाइड करा आज कि दिल्ली मुझे जाना चाहिए, क्योंकि 1 जुलाई हो गई है, काम भी बहुत सारा करना है,
एक हफ्ते से कुछ भी नहीं करा, 8 दिनों से कुछ नहीं करा है, तो अब मेरे पास 10 दिन है। शायद मुझे 12 या 13 को दोबारा मुंबई आना पड़ेगा फिर, इसलिए मतलब एक तरीके से पूरे जुलाई का काम मुझे 10 दिन में करना होगा। तो ठीक है, बस इस ब्लॉग को मैं यहीं पे ख़त्म कर रही हूँ, जा रही हूँ। पसंद आया बना लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कुछ कर देना, और इंस्टाग्राम दौड़ दौड़ के आ रही हूँ क्योंकि लेट हो रहा है। ठीक है, चलो बाय बाय।